ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય, નારાયણ નમસ્કૃત્ય નરમ ચૈવ નરોત્તમ, દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસ તતો જયમુદીરયે, નષ્ટ પ્રાયેષુ અભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર ભવતિ નૈષ્ઠિકે. તો આજ હમ લોગ શ્રીમદ ભાગવતમ કે છઠે સ્કંદ કે ચોથે અધ્યાય કે પ્રજાપતિ દક્ષ દ્વારા ભગવાન સે કી ગઈ હંસ ગુહા પ્રાર્થનાએ શ્લોક નંબર 15, 16, 17 તો હમ લોગ 17 કા ઉચ્ચારણ કરેંગે, 15, 16 કા ટ્રાન્સલેશન પઢેંગે. તેભ્ય તસ્યાં સંભવ દક્ષા પ્રાચેત સા કિલા, યસ્ય પ્રજાં વિસર્ગેણ લોકા આપૂરિતા ત્રય. તેભ્ય સારે પ્રચેતાઓં સે, તસ્યાં ઉસમે સંભવત ઉત્પન્ન હુઆ, દક્ષ દક્ષ સંતાન ઉત્પન્ન કરને મે દક્ષ, પ્રાચેતસા પ્રચેતાઓ કા પુત્ર, કિલ નિસંદેહ યસ્ય જિસકા, પ્રજા વિસર્ગેણ જીવો કી ઉત્પત્તિ દ્વારા, લોકા જગત આપૂરિતા પૂરિતા ત્રય તીનો. અનુવાદ એવમ તાત્પર્ય બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શિલા પ્રભુપાદ. શિલા પ્રભુપાદ કી અનુવાદ 15, 16, 17. અબ ઇન બેચારે વૃક્ષો કો જલાને કી આવશ્યકતા નહીં હૈ, જો વૃક્ષ શેષ હૈ ઉન્હેં સુખપૂર્વક રહેને દે. નિસંદેહ તુમ લોગો કો ભી સુખી રહેના ચાહીએ. યહાં પર એક સુયોગ્ય સુંદર લડકી હૈ જિસકા નામ મારિશા હૈ ઓર જિસકા પાલન પોષણ ઇન વૃક્ષોને અપની પુત્રી કે રૂપ મેં કિયા હૈ. તુમ લોગ ઇસ સુંદર લડકી કો અપની પત્ની કે રૂપ મેં સ્વીકાર કર સકતે હો. સુખદેવ ગોસ્વામી ને આગે કહા, હે રાજન, પ્રચેતાઓ કો તુષ્ટ કરને કે બાદ ચંદ્રમા કે રાજા સોમ ને પ્રમલોચા અપ્સરા સે ઉત્પન્ન સુંદર કન્યા ઉને પ્રદાન કી. પ્રચેતાઓ ને પ્રલોંબા પ્રમલોચા કન્યા કી કન્યા કા સ્વાગત કિયા. ઉસકે ઉઠે હુએ નિતંબ અતિ સુંદર થે, ઉન્હોને ધાર્મિક પદ્ધતિ કે અનુસાર ઉસકે સાથ વિવાહ કર લિયા. અનુવાદ એવમ તાત્પર્ય 17 શ્લોક કા. ઉસ લડકી કે ગર્ભ સે પ્રચેતાઓ ને દક્ષ નામક એક પુત્ર ઉત્પન્ન કિયા, જિસને તીનો લોકો કો જીવો સે ભર દિયા. તાત્પર્ય દક્ષ સર્વપ્રથમ શંભુ મનુ કે શાસનકાલ મેં જન્મે થે, કિંતુ શિવજી કા અપમાન કરને કે કારણ ઉનકે અસલી સિર કે સ્થાન પર બકરે કા સિર લગાકર ઉન્હે દંડ દિયા ગયા થા. ઇસ તરહ અપમાનિત હોકર ઉન્હે વે શરીર ત્યાગના પડા થા. ઓર છઠે મનવંતાર મેં જો ચાક્ષુષા મનવંતાર કહેલાતા હૈ, વે મારિશા કે ગર્ભ સે દક્ષ કે રૂપ મેં ઉત્પન્ન હુએ. ઇસ સંદર્ભ મેં શિલા વિશ્વનાથ ચૌધરી ઠાકુર ને નિમ્નલિખિત શ્લોક ઉદ્ધૃત કિયા હૈ.
चाक्षुषे त्वंतरे प्राप्ते प्राक्सर्गे काल विदुते यसर्ग प्रजा इष्टा स दक्षो दैवचोदिता। उसका पहले का शरीर नष्ट कर दिया गया था, किंतु उसी दक्ष ने परम इच्छा से, इच्छा की प्रेरणा से चाक्षुषा मन्वंतार में सभी इच्छित जीवों को उत्पन्न किया। इस तरह दक्ष को अपना पहले का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया और उसने करोड़ों संतानें उत्पन्न की जिनसे तीनों लोक पूरित हो गए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनाशलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि प्रिय वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। तो आज हम लोग अभी जो छठे स्कंद में जो पहले तीन अध्याय थे उसमें अजामिल की कथा का जिक्र था। अजामिल एक ब्राह्मण था, कैसे फिर वो बाद में गलत संगत में पड़ा और फिर किस तरह यमदूत आए, फिर विष्णुदूत आए, फिर वो समझ गया और अपनी गलती को मान के हरिद्वार गया, मुक्ति को प्राप्त हुआ। उसके बाद जो प्रसंग शुरू हुआ चौथे अध्याय में, इसमें ये चीज़ आ गई थी इसके अंदर कि अब यहाँ पे इन लोगों ने जो कथा सुन रहे थे महाराज परीक्षित, तो महाराज परीक्षित ने सवाल किया कि हमें वहीं से बताओ कि जहाँ सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि वर प्राप्त राजा ने सुखदेव गोस्वामी से कहा हे प्रभु देवता असुर मनुष्य नाग पशु पक्षी स्वयंभू मनु के शासनकाल में उत्पन्न किए गए, आपने सृष्टि के विषय में संक्षेप में तृतीय स्कंद में कहा, अब मैं इसके विषय विस्तार से जानना चाहता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे परीक्षित महाराज ने बात को बदल दिया और एक नया प्रकरण शुरू करने के लिए शुरुआत की। एक सवाल पूछा कि किस तरह से जो आपने तृतीय स्कंद में सृष्टि के बारे में रचना के बारे में बताया था उसके बारे में आगे विस्तार से आप बताएं। तो यहाँ पे एक वो भागवतम का मेन श्लोक है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम हूतया मन्वंतरेशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रया। तो अत्र सर्गो और विसर्गो, सर्गो जो भगवान ने क्रिएशन किया प्राइमरी शुरुआत में, और विसर्गो जो ब्रह्मा जी ने और लोगों ने आगे बढ़ाया। तो ये क्रिएशन कैसे उत्पत्ति हुई, ये जो सवाल है, ये जो प्रश्न है, यही असली प्रश्न है इनफैक्ट। और जो ये प्रश्न हम लोग और दुनिया भर के पूछते हैं, ये प्रश्न इतने प्रासंगिक नहीं हैं जितने कि ये हैं। कोई आज के बारे में ये जानना नहीं चाहता कि ये सेकेंडरी क्रिएशन जो ये उत्पत्ति हुई है, जो विसर्गा है, जो ब्रह्मा ने आगे बढ़ाया और ब्रह्मा के दूसरे पुत्रों ने और उन लोगों ने जो आगे क्रिएशन को, जो सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया। तो ये जैसे कि भागवतम शुरू हुई, जो पहला ही श्लोक भागवतम के जन्मादि अस्यता इतरस्या अर्थेशु अविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यंत यह सूर्य यो,
तो पहली जो जिज्ञासा भागवतम की बिगिन हुई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कैसे ये क्रिएशन शुरू हुई ये वहाँ पे श्लोक के अंदर आया, तो इस बारे में जानना बहुत आवश्यक है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ये सब नहीं समझा और जीवन को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, प्रयुक्त नहीं किया, श्रम ही एव केवलम, श्रम ही एव केवलम, ये सब नोत्पाद येद यति यदि रति हरिम धर्म श्वान निषदा पुंसा विश्वक जेन कथा श्रुया नोत्पाद येद यदि रतिम श्रम ही एव केवलम। अगर भगवान के चरणों में मरने से पहले पहले ये प्रेम भगवान का, भगवान की सेवा का भाव हम लोगों ने विकसित नहीं किया, हम लोगों ने अपने अंदर नहीं उतारा, तो हमारा जीवन जो भी कुछ हमने किया, जो भी पूजा पाठ की, जो भी माला की, जो भी भक्ति की, जो भी परिवार संसार को चलाया, नौकरी की, पैसे लाए, खाया पिया, सब कुछ श्रम ही एव केवलम, बेकार की मेहनत, सब कुछ बेकार। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि जीवन में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अपनी डेस्टिनी, अपनी नियति को एक इंच भी बदल नहीं सकता। अगर कुछ बदलना है, कुछ बदलने लायक है, और हम जो कुछ बदल सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं मेकिंग ए डिफरेंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में कुछ परिवर्तन दो, कुछ दो दुनिया को, क्या दो? चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या दो इस दुनिया को, अमार आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश, हमारी आज्ञा से तुम गुरु बन जाओ, और जिस जगह हो, जिस देश में हो, जिस काल में हो, तारो उसी का त्राण करो, उसी को मुक्ति दिलवाओ। कैसे? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिस भी जगह खड़े हो, जहां भी खड़े हो, जिस भी स्थान है शुद्ध गताम तनवान मनोभिर, जिस भी जगह आप है तन मन धन से आपको भगवान की सेवा में लगाना है, हर चीज को भगवान से जोड़ना ही योग है, और हर चीज को भगवान से जोड़ने का ही लाइफ का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य यही है कि हमारे हर कार्य में, हर चीज में भगवान से संबंध जुड़ जाए। बच्चों के बर्थडे मनाते हैं तो भगवान के लिए केक बनाओ, घर में कीर्तन करो, लोग एनिवर्सरी मनाते हैं कैंडल जला के केक काटते हैं रात के 12 बजे, ये कोई चीज़ तरीका नहीं, ये वैदिक नहीं है। हम लोगों को भगवान का कीर्तन, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी अवसर हो, एनिवर्सरी हो, डेथ एनिवर्सरी हो, बर्थ एनिवर्सरी, कुछ मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी हो, हम लोगों को तुरंत भगवान का प्रसाद भोग बना के भगवान को ऑफर करके सब में वितरित करके कीर्तन करना चाहिए, जन्म का सफल। कितना आसान है, किसी ने नहीं कहा कि आप परिवार को छोड़ दें, किसी ने नहीं कहा आप केक खाना छोड़ दें, किसी ने ये नहीं कहा कि आप जंगल में चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे वेदों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। युक्त वैराग्य, चैतन्य महाप्रभु का जो मेन, कि जो भी कुछ हमें मिला, यही वो कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग, एक महात्मा है जो आर्ट ऑफ लिविंग पे सेमिनार देते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग जीने की कला, पर जीने की कला है क्या? बहुत सिंपल, हर चीज भगवान को अर्पण कर दो, जीने की कला पूरी होगी। जीने की कला में क्या है? क्योंकि अगर कोई भी चीज, जैसे भगवद्गीता में चैप्टर 3 में टेक्स्ट 5 में बताया कि नहीं कशी क्षणम अभी जादु तिष्ठति कर्म अकृत, एक भी क्षण आप काम किए बगैर रह नहीं सकते, कार्य थे वैशा कर्मा सर्व प्रकृति जैन, जिस प्रकृति से रजगुण तमोगुण सत्वगुण में जो हम आए हैं, जो लेके आए हैं बैग अपने साथ में पिछले जन्म से, उसके हिसाब से हमें कार्य प्रवृत्त होना पड़ेगा, एक भी क्षण हम खाली नहीं बैठ सकते। लेकिन फिर 3.9 में भगवद्गीता में ही चैप्टर 3 के 9वें श्लोक में बात रिपीट कर दी कि यज्ञार्थात कर्म नो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, अगर तुमने यज्ञ के, विष्णु यज्ञ कृष्णा सब कुछ एक ही बात है,
यज्ञ के द्वारा हम विष्णु के मुख में आहुति डालते हैं, भोग डालते हैं, और वही विष्णु है, वही कृष्णा है। विष्णु ऐसे हैं जैसे कोई आदमी ऑफिस में टाई लगा के बैठा हुआ है, और कृष्णा वो है जो घर में आके टाई वाई उतार के और अपने धोती कुर्ते में घर में अपना डांस कर रहा है, तो वही कृष्णा। विष्णु कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं। ऑफिशियल फॉर्म कृष्णा की, जो भगवान की जो जो सामाजिक और जो औपचारिक फॉर्म है वो विष्णु है। तो यज्ञ, विष्णु, कृष्ण, इनके द्वारा कर्मणो अन्यत्रा, किसी और चीज में तुम लगे, कोई भी चीज जो भगवान से संबंध में नहीं है, प्रापंचिका गतिया बुद्धिया हरि संबंधु वक्त सुना मुमुक्षु भी परित्यागो युक्त वैराग्य मुच्यते। तो ये वैराग्य जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, ये वैराग्य की परिभाषा यही है कि हरि संबंधु वस्तिना, हम हर चीज को भगवान के संबंध में देखें, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो कलीग्स हो, तुम्हारे अंडर में काम करने वाले हो, तुम्हारे ऊपर काम, सबको भगवान के एक ऐसे संबंध में देखना चाहिए कि ये कैसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल होंगे, या इनके द्वारा मैं कैसे भगवान के चरणों की प्राप्ति कर सकता हूँ, चाहे वो धन है, चाहे वो तन है, ये शरीर इमम देहा, ये शरीर सुलभम सुकल्पम सुदुर्लभम, तीन चीज, सु ये सुकल्पम बड़े तरीके से बनाई हुई शरीर है, आँख नाक कान प्रॉपरली है। एक बार किसी ने पेड़ के नीचे लेटे लेटे कहा कि भगवान भी क्या, ये पेड़ पे छोटा सा जामुन लगाया और इतनी पतली सी बेल पे इतना बड़ा तरबूज, तभी एक जामुन टूट के सर पे गिरा के ले ठीक किया, अगर ये तरबूज होता तो मेरे सर का क्या होता। तो भगवान ने कोई भी काम सृष्टि में, हमारे आँख नाक कान बिल्कुल सिस्टमेटिक, घोड़े की आँख हमारी आँख सबकी उसी हिसाब से बनाई जैसे उसका कार्य है, हर जीव को ऐसा शरीर दिया कि उसका डिफेंस उसके साथ है। जैसे लाल मिर्ची और रख दो एक उसमें शीशी में और 6 महीने बाद देखो उसमें कीड़े हैं, लाल मिर्च है, हाथ उंगली लगा दो और आँख में लगा लो तो आँख 1 घंटे तक सही नहीं होगी, इतनी हॉट वो मिर्च है, लेकिन उसमें भी कीड़ा है और कीड़े का शरीर लाल है और कीड़े को वो मिर्च की मिर्ची नहीं लगती। तो हर एक को भगवान ने प्रॉपर शरीर दिया। तो सुकल्पम, बहुत तरीके से कल्पना करके इमेजिन करके प्लान किया अपने ही रूप में, जैसे हम दो हाथ या भगवान दो हाथ, सुकल्प सुलभम, और हमें ये देह मिल गई। हमें आदम ने क्या किया पिछले जन्म में, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। और सुदुर्लभम, अब अगर ये देह छूट गई दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी गारंटी नहीं। गुरु कर्ण धारम, जो ये बोट है, पाद पल्लव प्लव, ये पल्लव प्लवम, जो ये बोट मिली हमें, शरीर की नौका मिली इस भव सागर को पार करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए जो शरीर मिला, ये नौका के रूप में है। इस नौका में गुरु कैप्टन है बोट के हमारी, उनको हमने अपना कर्णधार मान लिया, उनको हमने कहा कि आप हमारे जीवन की नौका को आगे बढ़ाएं। और गुरु क्या करते हैं, जो वेदों की ज्ञान है वो ठंडी हवा की तरह आ रहा है, और गुरु प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद, जगत गुरु शिला प्रभुपाद ने उस वेदों के सारे ज्ञान की हवा को लिया, और जो पाल लगे रहते हैं बोट के ऊपर पर्दे, उनको रस्सी से खींच के प्रभुपाद जी ने ऐसे एडजस्ट किया कि बोट तेजी से आगे बढ़े। ये गुरु का काम है कि वो सारे वेदों, नाना शास्त्र विचार नए को निपुणो सद्धर्म संस्थापको वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को, नाना शास्त्रों का विचार, तरह तरह के शास्त्र हैं, शास्त्र इग्नोरेंस में भी हैं, पैशन में भी हैं, गुडनेस, इग्नोरेंस मतलब तम रजा और सत्व, शास्त्र भी, पुराण भी, जैसे मार्कंडेय पुराण में मीट खाने का अरेंजमेंट बताया तो हम लोग नहीं पढ़ते, वो इग्नोरेंस की चीज़ है, तमोगुण की चीज़ें हैं, लेकिन वेदों ने उनको भी जोड़ा अपने साथ में,
जो बहुत ज़्यादा मीट खाने से एडिक्टेड थे, वेदों ने मार्कंडेय पुराण ने उनको भी जोड़ा कि तो आप ऐसा करो जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए, कोई लेडी डॉक्टर के पास जाए अपने पति को लेके कि ये 2 डिब्बी सिगरेट रोज पीते हैं, और डॉक्टर कहकर ठीक है ऐसा है आप अब से एक दफ़े सुबह, एक दफ़े दोपहर में, एक दफ़े शाम को, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात को खाने के बाद, डिनर के बाद एक एक सिगरेट पियेंगे, अब तभी कमरे में कोई एंटर करे। और वो कहते क्या कमाल है भाई, डॉक्टर साहब ने सिगरेट रेकमेंड कर दी, डॉक्टर साहब सिगरेट पीने को कह रहे आज के बाद हम सिगरेट पियेंगे। नो, डॉक्टर साहब ने रेगुलेट किया उसको कि जो 2 डिब्बी पी रहा था वो 3 पे लाए और 3 से ला के फिर छुड़वा दे। तो ऐसे ही पुराणों में लिखा ये जिनको मीट खाने का एडिक्शन है वो 1 महीने में एक बार अमावस्या के दिन काली को ऐसे बकरे की बलि, ये भी नहीं गाय की, बकरे की, लोअर एनिमल, और धीरे धीरे उनको लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मंत्रों का उच्चारण इस तरह से है कि मंत्रों का मतलब अगर वो समझ जाएँ तो वो मीट खाना छोड़ दें धीरे धीरे उनको। तो रेगुलेशन, सारे वेदों का गोल रेगुलेशन, हमारे जीवन को रेगुलेट करना है, हमारे अंदर जो जानवरी प्रवृत्तियाँ हैं, आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं, तामसिक प्रवृत्तियाँ हैं, उनको रोकना, उनको संभालना, ये वेदों का काम है, गुरु का काम। वो ऐसे आप जैसे प्रभुपाद जी से कि तरह तरह से लोग पूछते थे सवाल, तो प्रभुपाद जी हर एक को कस्टमाइज्ड आंसर देते थे। कस्टमाइज मतलब कि जो उसके लिए फिट है। इसीलिए जो प्रभुपाद जी के प्रवचन हैं या मॉर्निंग वॉक के जो कन्वर्सेशन है उनको लोग कई बार मिसकोट कर देते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था। नो, प्रभुपाद जी ने जब कहा तो जिससे बात कर रहे थे उसको ध्यान रख के कहा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी की टीचिंग को गलत ना करे कोई, वेदाबेस को गलत कोट ना करे, गलत तरीके से प्रेजेंट ना करे, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। जो लोग इस्कॉन में हैं, जो लोग भक्त हैं, वो लोग प्रभुपाद जी की बात को शुद्ध रूप में प्रेजेंट करने की प्रतिज्ञा लें। हम लोग बगैर एडिट्रेशन के, बगैर मिलावट के प्रभुपाद जी को एज इट इज़, प्रभुपाद जी ने भगवद गीता एज इट इज़ यथारूप, जो भगवान ने कहा वही है। तो ये जो क्रिएशन है ये विसर्ग जो बाद में भक्तों ने आगे बढ़ाई ब्रह्मा जी के आगे आगे। तो अब जैसे हम लोगों ने यहाँ GLA में प्रीचिंग का कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें भगवद्गीता पढ़ाने का पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। अभी परसों की बात है, परसों हमारे यहाँ GLA में बहुत बड़े बड़े लोग आए। और बड़े बड़े लोग कौन कौन थे? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीनियर IAS ऑफिसर उत्तर प्रदेश के, वो वहाँ थे। कुछ और IAS थे, कुछ और IPS लोग थे, और उनका प्रोग्राम था अपराध मुक्त समाज की रचना, अपराध मुक्त एंड न्यायपूर्ण समाज की रचना, ये टॉपिक था। और बड़े बड़े लोगों ने, करीब वहाँ पे 500 लोग उपस्थित थे और उन्होंने अपने अपने लेक्चर दिए। तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ सीनियर IAS ऑफिसर, उन्होंने भगवद्गीता भी कोट की, उन्होंने कबीर भी कोट किया, तुलसीदास भी कोट किया, बहुत सारे दोहे श्लोक बोले, और सब में यही बताया कि क्योंकि वो निर्वाचन अधिकारी थे तो उन्होंने ये कहा कि आज देश में लोग बढ़िया सब कुछ चाहते हैं कि पानी टाइम पे आए, नालियां साफ हो, कूड़े का निस्तारण हो, समाज में सफाई हो, पन्नियों का कम यूज़ हो, पॉलीथीन का, ये सब बातें उन्होंने कही। लेकिन जब वोट करने जाते हैं तो वो वोट जाति और धर्म के नाम पे करते हैं, तो ये गलत है। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि समाज में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आदमी को कैसा होना चाहिए। जब वो सारा प्रवचन समाप्त कर चुके, सब काम वाइंड अप हो गया, लोगों ने तालियां वालियां बजा ली, तो जब लंच पे पहुंचे तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर आपने भगवद्गीता बहुत अच्छी कोट की, कबीरदास तुलसीदास को बहुत अच्छा बताया, आपने एक अच्छे समाज की, अपराध मुक्त न्यायपूर्ण समाज की स्थापना रचना के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपने 2 बातें मिस कर दी,
और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दंते निधाय तिनगम पदयोनि पत्या, कि मैं दांत में तिनका लगा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे साधु ओ लर्नेड मैन, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सकल विहाय दूराद, ये तो मैंने नहीं कहा कि जो भी तुम लर्न किया सब एक तरफ कर दो, चैतन्य चंद्र चरण करता हूँ राघव भगवान चैतन्य। मैंने कहा आपने एक दिक्कत ये कर दी, तो भगवान का जिक्र जरा कम किया, और अगर जिक्र किया भी छोटा मोटा तो उसमें ये नहीं बताया कि ये सब सदा सच बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी की बुराई मत करो, बुरा मत, गांधी जी के तीन बंदर, सब कुछ आपने बताया, लेकिन यहां तक पहुंचे कैसे ये नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इस समाज में बुराई इसलिए है, समाज में ये जो हम लोग अपने आप को शरीर आत्मा है और शरीर समझते हैं, यह स्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के सदि कलर दादी शुभो मै जधि यह तीर्थ बुद्धि सलीले नकर हिचित जनेशु अभिज्ञेशु सएव गो खरा। जो अपने आप को समझे जैसे आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के, कुणपे मतलब बैग थैला, त्रिधातु का कफ पित्त वायु, तीन धातु से बने हुए बैग को जो अपने आप को समझे कि मैं ये हूं, सदी कलत्रा आदि शु भौमे जदि, और कलत्रा मतलब वाइफ, आदि मतलब बच्चे बच्चे, भौमे जदि और फिर देश प्रेम, भौम इज्जति के मेरा देश, यह तीर्थ बुद्धि सलील, और जो कहीं किसी दूर कहीं जाके किसी सलील वाटर बॉडी कोई तालाब कुंड में कहीं स्नान करा, तो जब कौवा स्नान करके निकल गया, चिड़िया स्नान करके निकल गया, ऐसे जनेशु अभिज्ञेशु सैव गोखरा, कि अगर वहाँ हरिद्वार में गए, नेमिशारण्य में गए, किसी तीर्थ में गए, किसी कुंड में स्नान करा, और किसी अच्छे वक्ता से भागवतम भगवद्गीता का ज्ञान नहीं सुना, तो तुम अब बुरा लगेगा सबको, मुझे भी लगता है, काउ गो खरा, खर मतलब गधा और गो मतलब क्या, तुम लोग गधे और काऊ से बेटर नहीं हो, ये बात शास्त्रों में कही। तो यहाँ पे उन्होंने, उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट की, समथिंग नाम लू करके था उनका, वो आंध्र प्रदेश के थे, तो जब तो उन्होंने, उनसे मैंने यही कहा कि आप अगर अपने इस प्रवचन के प्रकरण में, जो कि आप जगह 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 आपने बहुत समाज सेवा का आपने प्रण लिया और आपने उद्देश्य बनाया कि अपनी पूरी टीम को लेकर आप जगह जगह जाते हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, इधर उधर पांडालों में, और वहाँ जाके आप ये सब बताते हैं समाज का उत्थान, ये हो नहीं पाएगा जब तक आप इसमें एक चीज़ ऐड ना कर लें, और वो ऐड है कि लोगों का मन कंट्रोल हो, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम, लोगों को इन उपाधियों से मुक्त कराना है। तो उपाधियाँ क्या हैं? मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं पति हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं HOD हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये सब डेजिग्नेशन उपाधियाँ, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, इन सब उपाधियों से मुक्त कराना है। तत्परत्य न निर्मलम, फिर आप उसके बाद निर्मल क्यों होंगे? आज हमारे अंदर मल है, कंटामिनेशन है, किस बात का? क्या मल है हमारे अंदर? ये मेरा है, ये तेरा है, मैं हिंदू हूँ तुम मुस्लिम हो, मैं इंडियन हूँ तुम पाकिस्तानी हो, ये मल है। जब हम आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे तो ये जितने भी मल कंटामिनेशन है, तो निर्मल हम हो जाएंगे। सर्वपादे निर्मुक्तम तत्परते न निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा। अभी ऋषि हमारी इंद्रियां हैं, और ऋषि को किसकी सेवा में लगाना है? ऋषिकेश की। ऋषिकेश कौन है? भगवान कृष्ण। तो जब हमारी इंद्रियां, अभी हम लोग नए साल आता है, सब लोग कहते हैं आज के बाद मैं बिल्कुल शराब नहीं चखूंगा, आज के बाद मैं जुआ नहीं खेलूंगा, अगले साल से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक खेल लूँगा, 31 दिसंबर तक खेल लूँगा, 31 दिसंबर तक पीऊँगा, 1 जनवरी से बंद करूँगा, तो वो बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें उसी वक्त डिसाइड नहीं किया। और डिसाइड करने की ये ताकत कहाँ से आएगी? प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक तुम एम्बॉडीड हो, किसी शरीर में हो, तो सेक्स की डिजायर जा नहीं सकती, बहुत मुश्किल, वायु रेव हवा की तरह। लेकिन अगर हम चैंटिंग में भगवान का मंत्र जप रहे हैं, साधु संग में हैं, भक्तों के संग में हैं,
दो दिन के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ फिनिश हो सकती है, दो दिन में, दो घंटे में। इतना टफ, इतना मुश्किल ये हमारा रास्ता है। सूरज से धारा, ब्लेड की धार पर चलने के बराबर ये स्पिरिचुअल लाइफ है। आज ये बहुत नैरो है, ब्लेड के ऊपर चलना पड़ रहा है, लेकिन चल गए तो बहुत चौड़ा रास्ता है आगे। बढ़िया, उसी दिन की इंतजार है कि जब हमें वो सब कुछ दिखाई देगा, वो महसूस होगा कि भगवान हमारे साथ हैं, ये रास्ता प्योर है, शुद्ध है, इसको हमें फॉलो करना हर कीमत पे। जब तक ये नहीं हम सोचेंगे, और ये चीज़ कहाँ से ताकत आएगी, कहाँ से ताकत आएगी चार प्रिंसिपल को फॉलो करने। चार प्रिंसिपल क्या हैं? नो मीटिंग मास नहीं, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं, कोई सेक्स नहीं, कोई गैम्बलिंग नहीं। ये चार प्रिंसिपल की ताकत कहाँ से आएगी? समाज को बदल डालो, देश को बदल डालो, खुद को बदल डालो, अच्छे बन जाओ, सदा सत्य बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, न्याय लाओ। ये सब राम राज्य की बातें आएंगी कहाँ से? हमें अपना चरित्र परिवर्तन, चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण के अंदर सिर्फ यही बात नहीं आती कि हम गलत संघ में पड़े। चरित्र निर्माण का मतलब ये है कि हम अपने चरित्र को ऐसा बनाएं, जैसे कि मैं एक बार डेनवर के एयरपोर्ट पे था, तो किसी प्रोग्राम से हम लोग लौट रहे थे, धोती कुर्ता तिलक वगैरह सब लगा हुआ था। तो अब अमेरिका में तुम डेनवर के एयरपोर्ट पे धोती कुर्ता तिलक पहन के खड़े हुए हो तो सब लोग तुम्हें देखेंगे कि कौन से चिड़ियाघर से आया, तो सब लोग आपको देख रहे हैं, और आप कोई गलत काम में लगे हुए हैं या गलत चीज़ कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है आपको, फ्लाइट लेट है तो आप सब पे चिल्ला रहे हैं, तो समझ जाएंगे कि ये मतलब धोती कुर्ता वगैरह लगा, लेकिन आचरण में कोई नज़र नहीं आ रहा इसका। क्रोध पे कंट्रोल, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर पस्त वेगम ईतान वेगान विषेद सर्वाम अपि पृथ्वी शिष्यात। ये छः पुशिज को, छः अर्जी को कंट्रोल करना है, एंगर को कंट्रोल करना है, और दूसरी चीज़ भक्तों को जो भक्ति से क्या निकल के आता है हमारे में से, जैसे समुद्र मंथन वाला जहर निकल के आया। मैं लेक्चर सुन रहा था महाराज का, तो उन्होंने ये बताया कि भक्तों को जब वो भक्ति में आते हैं तो उनको जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो खुद भी सोचने लगते हैं कि यार मैं क्यों भक्ति में फंस गया, ये सब इतनी दिक्कतें आ रही हैं, और लोग भी कहने लगते हैं देख तेरे से अच्छे हम हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, और तू देख कितना दुखी है, तू भक्ति में तो दुखी है, और हम भी कहते हैं हाँ मैं दुखी हूं। ये सत्य नहीं है। बाहर की दुनिया में लोग जिस इल्यूजन, जिस कंफ्यूजन में, जिस जो दिमाग में उनके मैं एंजॉय कर रहा हूं, वहां एंजॉयमेंट नहीं है, वहां प्रिया है, यहां श्रेया है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, श्रेय मतलब लॉन्ग टर्म, हमारी निगाह बैक टू गॉडहेड भगवान कृष्ण की सेवा में, और उनकी निगाह बैक टू डॉग हेड, उनकी निगाह उस पर। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ज्ञान नहीं। हम आज अपनी सफरिंग को देख पाते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं सफरिंग में हूं, यही तो ज्ञान है, यही तो भक्ति का परिणाम है। और उसके बाद हम प्रण लेते हैं कि मैं दुखी हूं पिछले जन्म के कर्मों के कारण, या आज मुझे फल मिल रहे हैं, मैं भुगत रहा हूं, लेकिन जो मैंने रास्ता चुना है, ये रास्ता मुझे जन्म जन्मांतर के चक्रों से निकाल के भगवान के भगवत धाम में लेके जाएगा। मेरा रास्ता आज इंद्रियों की तृप्ति का नहीं है, मेरा रास्ता दूरगामी है। जैसे मैं साइंटिस्ट था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में, तो वहाँ हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जाते थे फील्ड में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात और तमिलनाडु, उन समय सूखा पड़ता था तो मैं सूखे में था,
तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती थी कि भाई इन जगहों पे जाके जहाँ सूखा पड़ गया है तो वहाँ पे दो तरह के मिटिगेशन के काम करने हैं, दो तरीके से उसको हमें सही करना है, सूखे की स्थिति से लड़ना है देश को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग होती थी, हम लोग जाते थे वहाँ पे, चीफ इंजीनियर गाड़ी वाड़ी लेके आते थे कि ग्रांट आएगी। तो ग्रांट किस बात की आएगी कि वो वहाँ दो तरह से, एक तो ये कि कोई नाली बनवा दी, कोई नहर खुदवा दी, कोई पौंड बनवा दिया, पौंड की खुदाई करवा दी, तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेजर ऑफ मिटिगेशन फॉर ड्राउट, मतलब जो सूखा पड़ा हुआ है उसका तुरंत क्या उपाय करें कि लोगों पे काम नहीं है तो वहाँ खुदेगा कुछ तो लोगों को काम मिलेगा तो रोटी पानी उनकी चलेगी, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। और लॉन्ग टर्म में ये कि आगे तक दिक्कत ना हो तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब बारिश पड़ती है उसको इकट्ठा करके कहीं नीचे अंडरग्राउंड स्टोर कर लो, तो अंडरग्राउंड स्टोर करो तो वही ऑपरेशन से ख़त्म नहीं होगा और बाद में काम आएगा, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हमारी क्या है कि भाई अभी खाना कपड़े घर के दो खर्चे ये वो बिल बिल पे करने हैं उसके लिए कुछ करना है, और लॉन्ग टर्म क्या है हार्ट में कि भगवान की प्रेम की प्राप्ति करनी है। वो प्रेम कैसे मिलेगा, वो प्रेम की प्राप्ति जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने जो उसके उपाय बताए हैं, चैतन्य महाप्रभु जो उसका तरीका बताया है कि आपुरी आचरते प्रभु जीवे रह सिखाए, प्रभु अपने आचरण से जीव को सिखा रहे हैं। कैसे, रीचिंग कृष्णा इन हिज ओन वे, कि भगवान तक पहुंचो कैसे, जैसे भगवान ने करके दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने भक्तावतार भक्ता के भक्त के रूप में वो आके उन्होंने हमें सिखाया कि उन तक कैसे पहुंचे। तो आज जो हम लोगों के लिए जो कर्तव्य है हमारा, अगर हम प्रीचिंग नहीं करते तो एक दो साल में ये लगने लगेगा मैं कहाँ फंस गया। तो सबसे पहला आइटम है कि हर भक्त कहीं ना कहीं प्रीचिंग में इन्वॉल्व हो, किसी ना किसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट बने, चाहे वो प्रीचिंग में प्रसाद बनाए, चाहे वो भोग आरती। माइंड में अपने दिमाग में रखना है कि मेरे इस सेवा के भाव से, मेरी इस सेवा से ये प्रभुपाद जी का संदेश, चैतन्य महाप्रभु का संदेश, भगवान कृष्ण का संदेश आम लोगों तक कैसे पहुँचे। और अपने अंदर साधना से क्रोध का त्याग सबसे जरूरी है। क्यों, अब यही जो समस्या आई क्या आई, ये प्रचेतास जो है वो समुद्र के नीचे जाके तपस्या करके निकले और बाहर जब आए तो क्रोध से उनकी आंखें लाल और सबको भस्म। तो कई बार भक्तों में क्रोध बैठ जाता है कि मैं ऑस्टेरिटी करने के बाद क्रोध की उत्पत्ति आ जाती है कई बार, लेकिन भक्ति करने से नहीं आती, ऑस्टेरिटी में तपस्या में क्रोध की उत्पत्ति होती है, भक्ति में क्रोध नहीं आता, भक्ति में नम्रता आती है। तृणादपि सुनिचे ना, तो नम्रता लानी है। और दूसरी चीज लानी है हमें टॉलरेंस, सहनशीलता, ये भक्तों को लानी है सहनशीलता, दूसरे के व्यवहार के ऊपर, दूसरे के तरीकों के ऊपर। हम लोगों को जो गुस्सा आता है वो इसलिए कि हम लोग सहनशील नहीं हैं, इसलिए हमें क्रोध है। तो ये यहाँ पे जो प्रकरण है कि दक्ष पैदा हुए, इनका एक दूसरा जन्म है, और दक्ष मतलब वही एक्सपर्ट, होशियार, समझदार, और दक्ष कायम है बच्चे पैदा करने में। तो ये दक्षता हमें नहीं चाहिए, हालांकि वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, प्रोजिनेटर हैं, प्रजापति हैं, उनका कार्य है कि जो आत्माएं इधर उधर भटकी हुई हैं उन सबको शरीर का रूप दे के उनको भगवत भक्ति के रास्ते में लगाना, जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य है। और आज हम लोग, जैसे हम जब रहते थे छोटे थे तो मैं, मेरा भाई था, तो कभी मेहमान आते थे तो मेरी माँ कहती थी जा दही लिया, तो मेरे बड़े भाई को दही लेने के लिए वो भेज देती थी 10 रुपये दे के। अब वो दही लेने गया, पता घर में मेहमान बैठे हुए हैं, खाना तैयार है और आया ही नहीं, सब लोग कह रहे भाई कहाँ रह गए, अब यहाँ के भाई खाने को देर हो रही, सबको खाना वाना सर्व कर दिया बगैर दही के, और वो 1 घंटे बाद दही ले के आया।
कि वो मिल गया था, ये मिल गया था, उससे बात करने लगा, इससे बात करने लगा, वो मुझे ये कहने लगा, तो वो भटक गया। तो ऐसे ही हम लोग इस दुनिया में आए, आया था हरि भजन को मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों पड़े माया मिली न राम। हम लोग उस कैटेगरी में चले, ना माया मिलेगी, माया क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि तो मरने के बाद मृत्यु सर्वस्य हरस चा अहम, मरने के बाद एक भी चीज़ साथ नहीं जा पाएगी, सब यहीं। जैसे एक भक्त हैं फ्लोरिडा में, मायामी में, तो उनका कार पार्किंग लॉट का क्लीनिंग का बिजनेस है, तो वो हनुमत प्रेषक महाराज के डिसाइपल हैं। उन्होंने महाराज को लिखा, महाराज डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरी आवाज़ गड़बड़ थी, मैंने चेकअप कराया तो वो थ्रोट कैंसर है, गले का कैंसर है मुझे, और थोड़ा एडवांस है। तो महाराज ने, क्योंकि तो रिनाउंस है, उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ भाई, तुम्हारे साथ ये बहुत बुरी चीज़ हुई, भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करा, ये नहीं कहा। ये कहा कि जय कृष्णा, टाइम टू पैक अप, पैक करो निकलो। क्यों कह पाए महाराज ये बात? क्योंकि महाराज हर रोज पैकअप है, सामान को बांधा यहां से वहां चल दिए। जैसे कि कोई आदमी ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी में, यहां मैगजीन की पॉकेट है, यहां चश्मा, यहां पानी की बोतल, ये मेज, एसी चल रहा है, बर्थ बढ़िया है, सारे में सामान फैला दिया ट्रेन के अंदर, लेकिन महाराज उतरना है, आपका स्टेशन आ गया, आप सो रहे पड़े हुए। जैसे एक बार मैं बरेली जा रहा था, तो सहारनपुर रुड़की से बरेली जा रहा था, तो वहाँ 4 बजे वो ट्रेन पहुँचती है सुबह के टाइम, और लखनऊ जाती थी, तो 4 बजे उठना मुश्किल था। तो मैंने किसी को बता दिया था भाई मुझे बरेली उतरना है, तो वो भी भूल गया। फिर किसी ने बोला भाई बरेली आ गया, और मैं पड़ा हुआ सो रहा हूँ, जैसे ही बरेली का नाम सुना फटाफट फटाफट ये उठा वो उठा, ये उठा वो उठा, समेटा करा, जैसे उतरा करा, कुछ रह गया कुछ उतर गया, बोला हालत खराब। तो तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है यहाँ से जाने की, स्टेशन पर उतरने की तैयारी नहीं है। इस कारण से मैं पेन पहुँचता, मृत्यु से डर लगता है, क्योंकि स्टेशन जब आता है तो डर लगता है। इस डर से बचने का यही है, जैसे कि आदमी यहाँ वृंदावन में, हम लोग आए हैं, भक्त लोग हैं, सीनियर भी हैं, माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, लेकिन हम लोग की तैयारी कितनी है। अगर मुझे कोई अभी कहे मैं कमर में कुछ खुजाऊँ, और डॉक्टर के साथ यहाँ बार बार खुजली मारी, डॉक्टर पीछे देख नहीं पा रहा हूँ, डॉक्टर को दिखाने गया, उन्हें कमर में देखा, अरे आपको खुजली इसलिए हो रही है कि आपके एक तिल है, और वो तिल कैंसरस है और 3rd स्टेज का है, और आपके पास 6 महीने हैं। अब मुझे आपको प्रभु जी ये गुलाब जामुन खा लो, महाप्रसाद का है, खा लूँगा मैं, लेकिन खाते खाते वो उतना स्वाद नहीं आएगा उसमें, कम स्वाद आएगा, क्योंकि पैक करके जाना है। तो ये जैसे कि जनक महाराज की कहानी है ना, कि वो एक भक्त ब्रह्मचारी था आश्रम में, उसने गुरु जी से कहा कि गुरु जी यहाँ हम घास पे सो रहे हैं, हम तो भक्त हैं जैसे कैसे, लेकिन महाराज जनक महाराज गद्दों पे सोते हैं, वो विदेहराज हैं, हमें समझ नहीं आया। तो महाराज ने चिट्ठी लिख के दी, जाओ महाराज से, गुरु जी ने चिट्ठी लिख के दी, महाराज से जाके मिल लो। तो ब्रह्मचारी जनक महाराज से मिला, और जनक महाराज ने चिट्ठी को पढ़ा, समझ गए कि ब्रह्मचारी कन्फ्यूज़ है। तो उसने कहा ठीक है, ये लैंप लो और पूरे महल को घूम के आओ। और फिर मखमली गद्दा था बढ़िया, उसमें सोने को मिला, दूध वूध पीने को मिला ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो अगले दिन मॉर्निंग बुलाया, भाई कैसा रहा, एन्जॉयमेंट हो गया बढ़िया महल में? तो बोले महाराज जो आपने वो दिया मुझे दिया था लैम्प कि मैं दर्शन कर लूँ, या नक्काशी और हीरे जवाहरात जड़े हुए थे महल में, लेकिन वो हवा जो चल रही थी पर्दों के बीच बीच में से, तो मैं दिए को बुझने से बचाने के लिए मैं वो एन्जॉयमेंट नहीं कर पाया, जरा देख नहीं पाया ढंग से। और रात को जब आपने गद्दे पर सोने के लिए अरेंजमेंट किया, बढ़िया मखमली गद्दा, दूध और पंखा चलने वाले लोग खड़े हुए थे, लेकिन जब मैं लेटा बिस्तर के ऊपर, मेरी आँख ऊपर गई, तो वहाँ एक बहुत पतले सूत के धागे से इतनी मोटी तलवार लटकी हुई थी।
अब पूरी रात में करवट ही बदलता रहा, सो ही नहीं पाया। तो महाराज ने कहा कि यही स्थिति मेरी भी है प्रभु, मैं इस महल में चलता हूं तो समझता हूं कि जीवन का दिया पता नहीं कब बुझ जाए, तो ये मुझे यही जवारा दिखते नहीं है, और जो ये मैं मखमली बिस्तर पर लेटता हूं तो मुझे पता है कि मौत की तलवार लटकी हुई है और किसी भी समय मेरे ऊपर गिर सकती है और जिंदगी का अंत किसी वक्त भी आ सकता है। इसलिए मैं जो मखमली गद्दे पर नींद नहीं आती और हर मिनट हर समय मैं भगवान के बारे में सोचता रहता हूं कि जीवन का अंत किसी वक्त भी आ सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। तो हम लोगों को प्रवचन, जैसे कि महाराज लोग कहते हैं कि सुबह का प्रोग्राम स्ट्रांग रखना है, हमारा नारा है 4-16-4, हमारा नारा है 4-16-4। पहले 4 का मतलब है सुबह 4 बजे उठना है, आरती अटेंड करनी है। 16 का मतलब है बढ़िया 16 माला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और जब ये हमने कर लिया, पहला 4 और दूसरा 16 कर लिया, तो 4 प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आ जाते। तो ये जो 4-16-4 का फार्मूला है, पहाड़ा है, ये जो नारा है, इसको पकड़ के चलो, ये कभी भटके नहीं, कभी हाथ से निकले नहीं। इसके लिए हमें प्रयासरत रहने के लिए क्या चाहिए, भक्तों का संग। ये भक्त लोग हैं, चाहे लड़ो चाहे मरो, ये भक्त ही खड़े मिलेंगे चारों तरफ, जब तुम टर्मिनली इल हो के सिक हो के मरने को पड़े हो। हो सकता है मैंने किसी ऐसे भक्त को ऑफेंड कर दिया हो, किसी को कुछ कह दिया हो, और मरने के समय वो हॉस्पिस में आके मेरे लिए चैंट कर दे, पता नहीं कौन मेरे मरते समय आके मेरे पास खड़ा हुआ हो। तो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहता, और कई बार अगर हो भी जाता है तो मैं तुरंत उससे निकलना चाहता हूं, माफी मांग के हृदय से, ऊपर से नहीं कि प्रभु जी हो गया तो कोई बात नहीं छोड़ो, ऐसे हृदय से कि नहीं मैं, ये मेरी गलती थी। और जो लोग गलती मानते हैं, जो लोग अपनी मिस्टेक को मान लेते हैं, उनसे महान कोई होता नहीं, उनसे बड़ा कोई होता नहीं, वो बहुत बड़े हो जाते हैं गलती मानते ही, जो आदमी अपनी गलती को सुधार ले। इसलिए वैष्णव कल्चर में, डिवोशनल लाइफ में, हम लोगों को निरंतर प्रयास करना है, निरंतर जागरूकता के साथ, अलर्टनेस के साथ, ना कि वंदो मुई सावधान माते, ना श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा, वंदो मुई सावधान माते। वो सर्वधन नहीं है, वो लोग सर्वधन बोल देते हैं, वो सावधान है, सावधान माते। जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में, डिवोशन लाइफ में, गुरु के प्रति सावधान, भक्तों के प्रति सावधान, अपने आचरण के प्रति सावधान, जागरूकता जरूरी है। यही चीज़, क्योंकि हमने देखा जैसे विजय प्रभु हैं, जो हमारे पूरे इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड बुक डिस्ट्रीब्यूटर के मिनिस्टर हैं, हमने उनसे कहा प्रभु जी आप खड़े खड़े भगवद गीता को ऐसे बांट देते हो, जैसे उन्होंने बताया एक बार कि वो वहाँ अमेरिका में ड्राइव थ्रू सिस्टम है, यहाँ भी आ गया होगा, तो ड्राइव थ्रू है, ड्राइव थ्रू मतलब बड़े बड़े टैको बेल और पिज़्ज़ा हट और ये तमाम मैकडोनल्ड, ये सब स्टोरों की ड्राइव थ्रू। तो लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग की लाइन में लगा दिया और पहले से ऑर्डर प्लेस कर दिया, आप जाके वो नंबर बताएंगे, आपका ऑर्डर एकदम वो खिड़की से पकड़ा देंगे, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे पे हो गए। लंबी कारों की लाइन लगी हुई थी, विजय प्रभु ने बताया कि मैं गया, मैंने कहा ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग इन दिस लाइन, जस्ट टेक ए लुक एट दिस बुक, और वो लाइन से सबको भगवद गीता पकड़ा दे चले गए, 20 लोग लाइन में लगे थे, दूर तक कारों की लाइन में सबको भगवद गीता पकड़ा दे चले गए, सबकी खिड़कियाँ खुली थी, क्योंकि सबको आ गया किसी बर्गर लेना किसी कुछ लेना, उन्होंने भगवद गीता दे दी। अब उनकी पावर इतनी, प्योर चैंटिंग, सुबह उठ गया 3 बजे
दो बजे उठ के 16 माला क्या 25 माला करके पूरी पावर के साथ प्रभुपाद जी के आशीर्वाद के साथ वो निकले और सबको भगवत की तलाश देते चले गए। और जब लौट गया है तो किसी ने $20, किसी ने $50, किसी ने $100 पकड़ा, वो क्रैक करते चले गए ऐसे जैसे कि बस सब लोग तैयार खड़े थे। तो ये पावर, इस पावर को लाना है भक्तों को। इस पावर को लाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, शुद्ध हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं और नहीं तो बाद में पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।